हेलो गाइस, दिस इज़ मी हाशमी अगेन। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई कंपेन के बारे में बताऊंगा। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा। टोइंग सर्विसेज जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकती है, जैसे कि दुबई में, यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये लास्ट नाइट मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करूँ। तो उसको मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। उस पर तकरीबन 5-6 क्लिक्स पड़े थे, क्योंकि वो अकाउंट नया आता तो इस वजह से वो इतना जल्दी ऑप्टिमाइज नहीं हो जाता। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ उसका एक्सपीरियंस। तो मैं आता हूँ अपने गूगल ऐड के डैशबोर्ड पे। ये मेरा मैनेजरियल अकाउंट है। तो अच्छा, ये मैंने कल उस पर कंपेन बनवाया था, टोइंग सर्विसेज, सही है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है, हम ज़्यादातर हमारा फोकस गूगल एड्स पे होता है और ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों में होता है। स्पेक्ट्रम, एक्सपीरिटी और टेलीकॉम्युनिकेशन में के कंपेन्स में होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर चलते नहीं है। तो हमारा फोकस यही होता है कि हम वो चलाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अर्निंग का फायदा होता है, क्योंकि उसमें हम कमीशन बेस काम करते हैं। अगर कॉल्स भी बेचते हैं, अगर आपको कॉल भी चाहिए होता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या कमेंट में नंबर होगा, तो आपको वो ईज़िली मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पर आते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारे पास तो सर्विसेज जो होती हैं उनके कंपेन कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में मैं ये लाना चाहता हूँ कि टो सर्विसेज है क्या। टो सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो हम फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया किसी रोड साइड पे, या किसी की गाड़ी ख़राब होगी। फॉर एग्जांपल मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आप मोटरवे वाले को कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, आप यहाँ पे आ जाएँ, मुझे मेरी गाड़ी को टू चेन करके ले जाएँ या यहाँ पे रिपेयर करें, या जो वट एवर जो भी होता है ना। तो वो इसी कैटेगरी में जो है वो वेरी करता है, सही है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज भी आ सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन में कार जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं तो उनको कैरी करते हैं वो वाले ख़राब गाड़ियाँ, जो मतलब चलाने के काबिल ही ना हो, जो कबाड़ में बंदे देते हैं वो वाली गाड़ियाँ कह रहा हूँ। तो इस पर मैंने एक ही एड ग्रुप बनाया है, इसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि कल एज अ डीमो मुझे मिला था, तो मुझे नए चैलेंजेस जो है वो पसंद है। जैसे कि आपको पता है मुझे मज़ा आता है नए चैलेंजेस में। तो इस पर 5 क्लिक्स आए थे, 2 कॉल्स आए थे। तो अभी मुझे मतलब अपने क्लाइंट से जो क्वेरी आई थी कि भाई एक जो था वो सेल था, लेकिन वो कस्टमर नहीं माना, लोग डिस्काउंट भी हम दे रहे थे लेकिन नहीं माना। तो मैं सबसे पहले आपको कीवर्ड्स उसके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास इसके कीवर्ड जो है वो किधर गए, टोइंग सर्विसेज। अच्छा, तो ये सारे टो सर्विस, विक्टोरिया टो सर्विस, नियरेस्ट रोड साइड सर्विस हो गए, नियरेस्ट रोड साइड, नियरेस्ट ट्रक रोड सर्विस, ये डिफरेंट कीवर्ड्स हो गए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, 10, 15, 20, 30, मैं तो 100-150 ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सीन ये होता है कि उसमें 3-4-5 वो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज़ कर जाते हैं। अच्छा, तो बाकी जो होते हैं वो जो नॉट एलिजिबल होते हैं या उनकी लो क्वालिटी होती है तो वो मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो फिर जो सर्च क्वेरीज जो मैं आते हैं, जो सर्च टर्म्स में होते हैं, वो मैं एज ए कीवर्ड ऐड करता जाता हूँ। अगर मेरे पास इररिलेवेंट क्वेरीज आती हैं तो मैं फिर उसको उस पर लेके जाता हूँ, क्या कहते हैं, अच्छा निगेटिव पे लेके चलता हूँ, सही है। तो ये चीज़ें होगी हमारे पास। तो इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ, लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। लैंडिंग पेज मैंने नहीं बनाया, जैसे आपको पता है कि मैं ज़्यादातर अपने जितने भी गूगल एड्स में चलाता हूँ तो उनके लैंडिंग पेज में खुद चल बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये क्लाइंट ने ही मुझे दिया है। आई थिंक मेरा लैपटॉप बहुत स्लो है तो तंग नहीं होना। हंड्रेड परसेंट यूज़ हो रहा मेरा रैम। अच्छा, तो ये वेबसाइट है, सही है। और जब भी आप कंपेन बनाते हैं, सही है, तो आप कंपेन में जो है वो अपना नंबर जो है वो उसका एग्जांपल नीचे दिया होता है, तो आपने वो सेम इट इज़ वही पैटर्न यूज़ करना है। अगर यूएस में है तो सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, वो आपको यहाँ पे आपको
नंबर का एक एग्जांपल दे देता है, तो उसी एग्जांपल के बिहाफ पे आपने वही पैटर्न रखना है, सही है? आपने कोई पैटर्न नहीं चेंज करना उसका, जो पैटर्न आपको गूगल खुद देता है वही आपने यूज़ करना है। बाकी आपके पास URL डेस्टिनेशन, फाइनल URL आ गए, URL वेरिफिकेशन आ गए। कुछ लोग होते हैं जो फाइनल URL नहीं डालते, लेकिन URL वेरिफिकेशन जो होता है वो मस्ट होता है, और फाइनल URL जो होता है वो ऑप्शनल है, वेरिफिकेशन URL जो है वो मस्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, URL ना रिकमेंडेड है, अगर देते दे दें तो ये मेरा एक ऐड है, सही है? ये नंबर आ गया, वेस्ट स्टार टोइंग, ये बिजनेस का नाम आ गया, चीप टो रिकवरी ट्रक आ गए, कॉल नाउ फॉर टो सर्विस डिस्काउंट ऑन कार्ड, सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया हुआ है, ऑन कार्ड रिमूवल एंड अदर, गेट डिस्काउंट ऑन व्हीकल टोइंग, मोटरसाइकिल टोइंग, जम ये अदर चीज़ें होगी ना। तो इस तरीके से अपना अपना एड बनाया जाता है, सबसे पहले आपको एक हेडलाइन देंगे, चीप टू कार रिकवरी ट्रक या फास्ट रोड असिस्टेंट, एक ही दे दे, दो दे दे, जो भी वट एवर आपके जहन में आता है। लेकिन बिजनेस नेम में आप जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ औकात जो है वो ये डिसअप्रूव हो जाते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट से नहीं बना रहा, क्योंकि ये क्लाइंट का अकाउंट है तो इशू हो सकता है, बिना पूछे मैं उनसे यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो, तो इस पे गुजारा कर लें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मेरे अबाउट में जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन काइंडली ज़्यादा तंग ना करें, और अगर आपको मेरे सर्विसेज चाहिए होते हैं तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7, लेकिन सर्विसेज मुफ्त में नहीं, कॉस्टली, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। थैंक यू।